बच्चों, सुप्रभात। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और जो वर्क आपको भेजा जा रहा है उसे आप अच्छे से कर रहे होंगे। आज है बेटा शुक्रवार और शुक्रवार को हिंदी के किस सब्जेक्ट कवर करते हैं हम? हिंदी व्याकरण का। तो सभी बच्चे अपने हिंदी व्याकरण की बुक खोलें और पेज नंबर 14। क्या है पेज नंबर 14 पर? शब्द विचार। शब्द विचार। शब्द विचार में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? शब्द। कि शब्द क्या होता है? वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द बनते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वो क्या कहलाते हैं? शब्द। ऊपर देखिए बेटा, एग्जाम्पल दिया गया है, ली प्लस ची क्या बन गया? लीची। लीची फ्रूट होता है, तो ये हमारा शब्द है। इन्हीं वर्णों को जब हम आगे पीछे करके लिखेंगे, ची प्लस ली क्या बन गया? चीली। चीली शब्द का अर्थ नहीं होता, तो इसीलिए ये शब्द नहीं है। इसी तरह से क प्लस म प्लस ल कमल, कमल फूल होता है, तो ये सही शब्द है। म प्लस ल प्लस क, और इन्हीं वर्णों को जब आगे पीछे करके लिखा गया है तो क्या बन गया? मलक। और मलक शब्द का अर्थ नहीं होता, तो ये शब्द नहीं है। उसी तरह से ख प्लस र प्लस गो प्लस श खरगोश, खरगोश जानवर होता है, पशु होता है, तो ये क्या है? सही शब्द हैं। और इन्हीं वर्णों को जब हम आगे पीछे करके लिखेंगे, र प्लस श प्लस ख प्लस गो, रश घो, रश खगो, रश खगो कोई शब्द, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, तो ये हमारा शब्द नहीं है। आपने देखा कि ऊपर दिए वर्ण समूह लीची कमल तथा खरगोश के अर्थ स्पष्ट हो रहे हैं, जबकि चीली मलक तथा रश खगो वर्ण समूह का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। अतः ये शब्द नहीं कहे जा सकते, क्योंकि शब्द वही होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है या जिनका कोई अर्थ हो। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं? शब्द की परिभाषा क्या होगी बेटा? वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। उसके बाद हम आते हैं शब्दों के भेद पर। जो शब्द है बेटा, शब्दों के भेद हैं वो चार आधारों पर किए जाते हैं, यानी कि चार आधार हैं इसके। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, और फोर्थ है प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम करेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ यानी कि मतलब, कि इसका कोई मतलब होता है या नहीं होता। तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है, यानी कि जिन शब्दों का एक अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। जैसे गाँव, पेड़, शहर, चित्र, गमला, कपड़ा, दूध, गाड़ी आदि। और निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द। जैसे बगाव, अड़पे, रशहें, डापक, लामग, अड़ीगा, त्रिची, द, ध, दू आदि। तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए ये क्या है? निरर्थक शब्द। ये तो थे बेटा हमारा अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद। अब दूसरा क्या बताया था? उत्पत्ति। उत्पत्ति यानी के बाद आता है बेटा हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति का मतलब होता है बनना। कि जो शब्द के भेद हैं वो किस बनने के आधार पर चार भागों में किस तरह से विभाजित हुए। तो सबसे पहला आता है हमारा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के कुछ शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में भी प्रयोग होते हैं। कि जो हिंदी है बेटा वो संस्कृत भाषा से ही आई है, संस्कृत भाषा से ही उसका जन्म हुआ है, संस्कृत भाषा से ही हिंदी उत्पन्न हुई है। जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं वो एज इट हिंदी में प्रयोग होते हैं, जो के त्यों प्रयोग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। जैसे दुग्ध, दधि, प्रस्तर, सर्प, रात्रि, कर्म, मुनि, ज्ञानी आदि। तो जो शब्द संस्कृत भाषा के हिंदी में जो के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। उसके बाद आता है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें हम कुछ परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। तत्सम में क्या था?
जो संस्कृत भाषा के शब्द जो के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं, इनकी जैसे संस्कृत में है वैसे ही हिंदी में लिखे जाते हैं, लेकिन तद्भव में क्या है, कुछ परिवर्तन करके, कुछ चेंज करके उसको हिंदी में यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे कौन से शब्द हैं, जैसे दुग्ध, दुग्ध संस्कृत में दुग्ध कहा जाता है और हिंदी में क्या कहा जाता है, दूध। दूसरा है दधि, दधि क्या होता है, दही। दधि संस्कृत का शब्द है और दही हिंदी का। उसी तरह से प्रस्तर पत्थर, अक्षेत्र खेत, गृह घर, सर्प सांप, दंत दांत आदि। ये थे तद्भव शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं और कुछ चेंज करके हिंदी में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आता है देशज शब्द, वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में प्रचलित विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की लोटा डोसा लुटिया बिटिया खटिया इडली कपड़ा आदि। ये वे शब्द हैं बेटा जो किसी क्षेत्र विशेष में जो भाषाएं यूज़ की जाती हैं वहाँ से हिंदी भाषा में आए हैं। उसके बाद लास्ट हमारा आता है विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषा से हमारी हिंदी में आए हैं, जो है तो विदेशी शब्द लेकिन हिंदी में यूज़ किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विदेशी शब्द। जैसे हकीम जलेबी स्टेशन अखबार टीचर डॉक्टर स्टेशन क्रिकेट अलमारी आदि। तो ये शब्द बेटा विदेशी हैं लेकिन हमारी हिंदी में यूज़ किए जाते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी दो आधार हम करेंगे कल। तब तक आप इन आधारों को और शब्द की परिभाषा को अच्छे से लर्न करें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।